नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी। बहुत लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि बहुत सारे सब्जी नहीं होते घर में तो कैसे बनाऊँ पाव भाजी। तो देखिए, बहुत कम सामान में मैं बताऊँगी भाजी कैसे बनते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा स्वादिष्ट, जो घर में कोई भी खाएगा, बच्चा या बड़ा या कोई भी, बिल्कुल नहीं कहेगा कि मार्केट जैसा नहीं है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको भाजी कैसे बनते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए या मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कॉमेंट बॉक्स में जाके आप किसी भी रेसिपी के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आज पाव भाजी कैसे बनते हैं कम इंग्रेडिएंट में और बिना। देखिए, बिना बटर का मैंने बनाया है भाजी, बहुत ही स्वादिष्ट। से नींबू डाला है ऊपर से और प्याज भी डाला है, देख रहे हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए मेरे साथ भाजी बनाने, मैं बताती हूँ कैसे भाजी बनते हैं कम इंग्रेडिएंट में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कम से कम इंग्रेडिएंट में पाव भाजी कैसे बनते हैं। पाव भाजी बहुत खाने का मन हो और घर में सब्जी बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो जितने सब्जी हो उसी में अच्छे से मार्केट जैसी भाजी बनाना मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बंधा ले लिया है, जैसे बारीक मैंने काट लिया है। गाजर ले लिया है दो, मैंने उसे भी बारीक काट लिया, और शिमला मिर्च एक लिया, उसे भी मैंने बारीक काट लिया। यहाँ पर तीन मैंने टमाटर लिया है, उसे बारीक काट लिया। तीन मैंने प्याज लिया है, उससे भी बारीक काट लिया। यहाँ पर कुछ 200 ग्राम के लगभग आलू मैंने लिए हैं बॉयल करके, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिए, चार हरी मिर्च, जैसे बारीक काट लिया है मैंने। चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने MDH का पाव भाजी लिया है, आप कोई सा भी पाव भाजी ले सकते हैं मसाला। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, इसमें मैं इन सब्जियों को बंधा, गाजर और शिमला मिर्च को डाल दूँगी। मैंने आलू उबाल लिया है, आप चाहे तो आलू भी छील कर इसी में डाल सकते हैं और साथ में उबाल सकते हैं। मैंने पहले आलू उबाल लिया है, तो इन सबको मैं एक साथ डाल दूँगी। तो देखिए, सारे सब्जियों को मैंने डाल दिया है, बंधा, गाजर और शिमला मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, छोटी चम्मच नमक, आगे भी मैं डालूँगी इसलिए छोटी चम्मच इसमें डाला है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 से 1.5 कटोरी पानी। पानी अच्छे से चाहिए ताकि मेरी सब्जी अच्छे से गल जाए। 1.5 कटोरी के लगभग मैंने पानी डाला है। अब मैं इसे गैस पर चढ़ा दूँगी और गैस ऑन कर दूँगी। तो देखिए, मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है, कुकर का ढक्कन लगा दिया। अब मैं गैस को हाई फ्लेम पर रखूँगी, 1 सीटी आने दूँगी। 1 सीटी आ जाएगा उसके बाद मैं गैस को कम कर दूँगी चूल्हे को, और इसको 5 से 6 मिनट तक कम आंच पे ही रखूँगी। आप चाहे तो हाई फ्लेम पर 6-7 सीटी लगवा सकते हैं, उसके बाद बंद कर सकते हैं। मैंने 1 सीटी लगवा कर मैं और इसे कम कर दूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद गैस बंद कर दूँगी। देखिए, मैं कुकर में सीटी मार चुका है, कम पे मैंने 5 से 6 मिनट तक रखा था, मैं गैस बंद कर दी हूँ। अब इसका सीटी निकलने दूँगी, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और गैस जला लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच घी, बिना बटर का मैं बता रही हूँ आपको कैसे बनते हैं भाजी। तो मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें घी डाला है, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें जीरा, जीरा चटकने दूंगी मैं। तो देखिए, मैं जीरा चटक गया है। अब मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च, मैंने बारीक काट कर रखा था, और साथ ही ऐड कर दूंगी मैं प्याज। देख रहे हैं, इनको अच्छे से मिला लूंगी और इन्हें पकने दूंगी मैं, अच्छे से लाल नहीं हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी इसमें नमक, मैंने नमक सब्जी में भी डाला है, मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक से प्याज अच्छे से गल जाते हैं, जल्दी मुलायम हो जाते हैं, इसलिए मैंने डाला है। अब मैं इसे भूनूंगी। जब तक मेरा प्याज भून रहा है, देखिए मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि तो इसमें सब्जियों एकदम मैश होना चाहिए भाजी में, तभी अच्छे लगते हैं। तो ध्यान रखें, सब्जियाँ को भी बहुत बारीक काटें ताकि वो अच्छे से मत खा सके। देखिए, मैं प्याज भी भुना रहा है,
मैंने घी डाला है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, घी से टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने घी डाला है क्योंकि पाव भाजी खाने का बहुत लोगों का मन होता है, लेकिन सोचता है बहुत सारे लोग कि घर में इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं सारे तो मैं नहीं बना पाऊँगी, तो ऐसा नहीं है, आप कम इंग्रेडिएंट्स में भी पाव भाजी बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा। तो देखिए मैं प्याज लाल होने लगे हैं, 80% लाल हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इस लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, या तो आप लहसुन अदरक को घस कर लहसुन को कूच कर डाल सकते हैं या पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमेशा ध्यान रखें कि लहसुन अदरक का पेस्ट एकदम ताज़ी हो, तभी स्वाद अच्छी आती है भाजी में। अब मैं इन्हें मिलाकर इन्हें भूनूंगी। तो देखिए मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भुना रहा है प्याज के साथ, इसे मैं 3-4 मिनट तक भूनूंगी ताकि अच्छे से भुना जाए मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट। जब तक ये भुना रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूँ, मेरी सब्ज़ी सीटी निकल गया कुकर से, मेरा सब्ज़ी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें पानी ज़्यादा नहीं, इतना पानी इसमें चलेगा। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, या कलछुल से कर रही हूँ, आपके पास मैसर हो तो मैसर से कर लें या मथनी से कर लें, जिससे भी सुविधा हो। इसको अच्छे से मथ लेना है कि सब्ज़ियाँ बारीक मेल्ट हो जाए। मैं खड़े सब्ज़ियाँ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, इस तरह करके सारे को मेल्ट कर दूँगी। देखिए कितने अच्छे से मैंने सब्जियों को मैच दिया है। अब मैं इधर दिखाती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा भून चुका प्याज के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसे डाला है। अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर जो मैंने बारीक चॉप करके रखा था। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि टमाटर इसमें अच्छे से चाहिए होता है, तभी इसका स्वाद अच्छा आता है। मैंने टमाटर अच्छे से मिला दिया है, तो देखिए टमाटर को अच्छे से मिला दूंगी, इसे भूनूंगी जब तक मैं टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। तो देखिए टमाटर मेरा अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी नॉर्मल मिर्च 1/2 चम्मच। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पाव भाजी मसाला 4 चम्मच के लगभग। पाव भाजी मसाला जितना अच्छे से डालेगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसी से मसाला तैयार होता है। तो 4 चम्मच मैंने डाल दिया, इसे अच्छे से मिला दूँगी। 1/2 चम्मच के लगभग मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, इन सबको अच्छे से मिला दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने आलू ले रखा था, उससे मैं मिला दूँगी। तो देखिए मैंने आलू अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें मैं बाकी सब्जियां भी ऐड कर दूँगी जो मैंने बॉयल करके रखा था। तो देखिए मैंने सारे सब्जियों को भी मिला दिया है इससे, इसमें कितने अच्छे से मिल चुके हैं। अब मैं 2 से 3 मिनट इन्हें पकाऊँगी। तो देखिए देख के लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा भाजी, कम इंग्रेडिएंट्स में फटाफट तैयार हो गया है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ये इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर से और घी डाल दूँगी कि और अच्छा लगे। ये 1 चम्मच के लगभग मैंने डाला है, देख रहे हैं। मैंने इसमें कोई कलर का यूज नहीं किया, आप चाहे तो इसमें कलर हल्का फूड कलर डाल सकते हैं तो और अच्छा कलर आएगा। ऐसे मुझे ऐसे ही अच्छा कलर लग रहा है देखकर, मार्केट जैसा बिल्कुल। तो देखिए मेरा भाजी बनकर तैयार हो गया। अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसे सर्व करूँगी। मेरा भाजी तैयार हो गया है, तो मैं अब दिखाऊंगी आपको पाव सेक कर। मैंने एक पैन ले लिया है, देख रहे हैं, उसे मैंने घी डाल दिया है, गैस पर चढ़ा दिया है। अच्छे से मैं घी को मिला लूँगी, और यहाँ पर मैंने लिया है पाव, देख रहे हैं, पाव को मैंने बीच से कट कर दिया है और इसे ऐसे डाल लूँगी। हल्का मैं इसे सेकूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सेक लूँगी। तो देखिए मेरा पाव भी सेक चुका है, अब चलिए मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा मेरा भाजी बनकर तैयार हुआ है, कितने कम इंग्रेडिएंट में और कितना जल्दी भी लग रहा है बिल्कुल मार्केट जैसा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसे आप ऊपर से नींबू डालकर, नींबू का रस और प्याज डाल कर खाए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो मैंने नींबू भी रखा है और प्याज भी रखा है, देखिए
ये उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप खाएंगे तो। देखिए मैं नींबू ली हूँ, इसका रस में डाल दूँगी और थोड़ा सा प्याज में डाल दूँगी। और देखिए पाव रख रही हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, बड़े या बच्चे, बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं मार्केट का नहीं खा रहे हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।